बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। सुबह उठते ही सबसे पहले जो भी हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग और हमारी सेहत पर पड़ता है। आप इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं, अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले पढ़ाई करते हैं तो वो की हुई पढ़ाई आपको सबसे ज्यादा याद रहती है। अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलता है। अगर आप सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं तो वो मेडिटेशन आपके दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। उसी तरह से ही सुबह उठकर जो भी चीज खाई जाए उस चीज का असर हमारी सेहत पर सबसे ज्यादा है। और जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले बैक टी लेते हैं उनकी सेहत सबसे ज्यादा खराब रहती है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो उस समय हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है। हमारे लीवर में कई तरह के डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस हो चुके होते हैं जो कि मांगते हैं कुछ अच्छा खाना, ताकि जो भी हम खाएं वो हमारी बॉडी अच्छे से अब्सॉर्ब करे, क्योंकि हमारी बॉडी को सुबह कुछ खाने को चाहिए। तो ऐसे में जो भी चीज आप अपनी बॉडी को सुबह देते हैं उसका सबसे ज्यादा असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। तो अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं तो वो चाय आपके खून में तभी मिल जाती है, और चाय एसिडिक होती है जिससे हमारा खून एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक खून हमारी बॉडी में पित्त के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, ये ढेरों बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सुबह उठकर हम सबसे पहले कुछ अच्छा खाएं। तो आप सोचेंगे अच्छा क्या खाएं? तो देखिए, धर्मों में बहुत सी चीजें बताई गई हैं। आपने देखा होगा सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए हम मंदिर जाते हैं। मंदिर बिना कुछ खाए ही क्यों जाते हैं? चाहे आप इसको धार्मिक दृष्टि से देखो या वैज्ञानिक दृष्टि से, जब भी हम खाली पेट मंदिर जाते हैं तो वहां पर हमें लौंग, इलायची, माखन, मिश्री, इस तरह से प्रसाद मिलता है। और ये जो प्रसाद हम खाली पेट लेते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी अगर आप सुबह खाली पेट लौंग खाते हैं, इलायची खाते हैं, माखन मिश्री खाते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में कई रोग दूर होते हैं। इसीलिए ही मंदिरों में खाली पेट जाने को कहा गया। तो अब आप सोच रहे होंगे खाली पेट हम क्या खाएं? आपको मैं बताता हूं, एक ऐसी चीज जो हर घर में आपको मिल सकती है, और अगर नहीं है तो आप उसे आसानी से ला भी सकते हैं। इससे आप अपने शरीर की कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और वो चीज है तुलसी के पत्ते। तुलसी का पौधा आपको कई घरों में मिलेगा। पुराने जमाने में तो घरों के आंगन में तुलसी लगाई जाती थी। तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी विवाह किया जाता है, तुलसी को चाय में डालकर पिया जाता है, तुलसी से कई तरह की मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। इसी तुलसी के पत्तों को अगर आप सुबह खाली पेट सबसे पहले जब आप सुबह उठें तो तुलसी खाना शुरू कर दें, आप देखेंगे आपकी जिंदगी किस तरह से बदलेगी। आपके कई रोग जो कि कुछ हफ्तों में गायब हो जाएंगे। लेकिन तुलसी को खाने से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि तुलसी को कभी चबाकर नहीं खाते। और ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुलसी के पत्तों में कुछ मात्रा में मर्क्यूरी यानी कि पारा होता है, और जब आप तुलसी के पत्तों को चबाते हैं तो इससे अगर ये पारा हमारे दांतों के बीच रह जाए तो ये दांतों में सड़न पैदा कर सकता है, दांतों को खराब कर सकता है। इसीलिए तुलसी के पत्ते को कभी चबाते नहीं है। आप जब सुबह उठें तो तुलसी के पत्ते लीजिए, 2 से 3 पत्ते लेकर उन्हें निगल जाइए। बिना चबाए अगर आप तुलसी के पत्ते हर रोज खाना शुरू कर दें तो आपके कई रोग दूर हो जाएंगे, जैसे कि डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो तुलसी के पत्ते आप जरूर खाएं, आप देखेंगे आपकी डायबिटीज 1 से 2 महीने में बिना दवाइयों के मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, और आपका शुगर का लेवल बिना दवाइयों के मेंटेन होगा। आपको डायबिटीज के लिए दवाई नहीं खानी पड़ेगी। डायबिटीज को अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो तुलसी के पत्ते हर रोज खाएं, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी ये डायबिटीज की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो तुलसी के पत्ते आपके लिए फायदेमंद हैं। तुलसी के पत्तों का रस निकालिए, इस रस को एज अ सीरम, एज अ ऑयल अपने बालों की जड़ों में लगाएं, आप देखेंगे 1 से 2 बार में ही आपको फर्क दिखेगा। आपके बाल झड़ने 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो वो डैंड्रफ एकदम से निकल जाएगा। यानी बालों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को आप तुलसी के जरिए बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तुलसी के जरिए आप हर तरह का बुखार ठीक कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमें बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और पैरासिटामोल टैबलेट्स लाते हैं। जो पैरासिटामोल टैबलेट्स काम करती हैं उससे कई गुना अच्छा काम ये तुलसी करती है। आयुर्वेद में तुलसी के बारे में बताया गया है कि तुलसी हर तरह के बुखार को ठीक कर सकती है, फिर चाहे वो साधारण सा वायरल बुखार हो या फिर डेंगू का बुखार, हर तरह के बुखार को तुलसी तोड़ सकती है। किस तरह से, चलिए थोड़ा उसके बारे में बताते हैं।
तुलसी आपको कौन सी इस्तेमाल करनी है? श्याम तुलसी का इस्तेमाल करना है, वो तुलसी जिसका रंग डार्क हरा होता है। अगर आप तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसे हल्का गर्म करें, उसके अंदर शहद मिलाएं और इसका एक चम्मच सुबह, दोपहर और शाम पेशेंट को दें, तो उसका हर तरह का बुखार उतर जाता है। डेंगू के केस में बुखार एकदम से उतरता है और प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तुलसी से अच्छा बुखार उतारने के लिए और कोई दवा है ही नहीं। पैरासिटामोल से भी ज्यादा बढ़िया काम यह तुलसी करती है। और पैरासिटामोल जैसी टैबलेट्स से तो हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन तुलसी से बुखार ठीक होने के साथ साथ कई और रोग भी दूर हो जाते हैं। बुखार को ठीक करने के साथ साथ तुलसी कफ के रोगों में बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको कफ से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, अस्थमा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप तुलसी के जरिए सही कर सकते हैं। किस तरह से? आपको तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खाना है। सिर्फ ऐसा करने से ही आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम तक धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अस्थमा की प्रॉब्लम अगर ज्यादा है तो आप तुलसी के पत्तों के साथ मुलट्ठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी मुलट्ठी लीजिए, आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। मुलट्ठी और तुलसी के पत्ते अगर सुबह खाली पेट इकट्ठे खाए जाएं तो इससे अस्थमा की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, तुलसी हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। इम्यूनिटी यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे गलत खान पान की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती रहती है, जिस कारण से हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ नहीं पाती। तो ऐसे में जब आप तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी को अंदर से एनर्जी मिलती है और हमारी प्राण शक्ति मजबूत हो जाती है, हम बीमारियों से लड़ पाते हैं। देखिए, अगर चार दोस्त बारिश में भीगते हैं तो उसमें दो दोस्त को कुछ नहीं होता और दो दोस्त को जुकाम हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या बारिश चारों दोस्तों के लिए अलग थी? ऐसा नहीं था। जिनको जुकाम हुआ उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। तो कहने का मतलब ये है कि कंडीशन सभी के लिए एक जैसी हो सकती है, लेकिन बीमारी डिपेंड करती है हमारी बॉडी के ऊपर। इसीलिए आप अपनी इम्यूनिटी को कमजोर ना होने दें। आजकल ये जो वायरस फैला, जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, इस वायरस के फैलने का भी ज्यादा कारण यही है क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी मजबूत नहीं है। अगर हम बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम है तो बीमारी हमें छू भी नहीं सकती। आपने देखा होगा इन वायरसेस के कारण कौन लोग सबसे ज्यादा मरे। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी या जिनकी उम्र ज्यादा थी, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ इम्यूनिटी कम होती रहती है। तो ऐसे में तुलसी हमारी मदद करती है। तुलसी को अगर खाली पेट खाते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी और आप वायरसेस बैक्टीरिया से हमेशा बचे रहेंगे। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, तुलसी मेल्स के लिए स्पर्म काउंट बढ़ाने में बहुत अच्छी है। आजकल बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना, गलत खान पान करना, इन कारणों की वजह से मेल्स में स्पर्म काउंट में कमी आ जाती है। इसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जाकर कई तरह की टैबलेट्स लेते हैं और उनका कई तरह से आपको साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सबसे अच्छा है आप तुलसी के पत्ते खाना शुरू करें। मेल्स में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम इससे 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप तुलसी के जरिए अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। और अगर आपने घर के आंगन में या घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाया तो अब इतने फायदे जानकर आपको अपने घर में तुलसी जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि तुलसी हमें कई बीमारियों से बचाती है और हमारे घर में वायरसेस और बैक्टीरियाज को एंटर होने से भी रोकती है। इसीलिए तुलसी को धर्मों में भी माँ कहा गया, एक माँ जो हमारी इतनी रक्षा करती है। तो आप इस तुलसी की कदर करें। आपने देखा होगा एक तुलसी विवाह के नाम से भी त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोग इस त्योहार को मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते, लेकिन अगर आपके घर में तुलसी है तो आपको ये त्योहार जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि इस त्योहार को मनाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। तुलसी सर्दियों को नहीं झेल सकती, तो ऐसे में तुलसी मर जाती है। तो अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम तुलसी को चुनरी ओढ़ देते हैं, जिससे तुलसी पर सर्दी का असर कम होता है और तुलसी का पौधा सर्दी में बचा रह सकता है। तो इसलिए तुलसी विवाह किया जाता है, जिससे तुलसी को बचाया जा सके। तो आप दोस्तों, ये जो धर्मों में बताई हुई बातें हैं, इनका मजाक उड़ाने या इनको अंधविश्वास मानने की जगह पर इनको मानना शुरू करें। आप देखेंगे जाने अनजाने में हमारी बॉडी स्वस्थ रहने लगेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मंदिर जाना, जब मंदिर जाते हैं तो खाली पेट जो हमें प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को लेने से हमारी बॉडी सही होती है। खाली पेट लौंग, इलायची, अजवाइन, जीरा, सौंफ, इन चीजों को खाने से हमारी बॉडी स्वस्थ होती है। और दोस्तों, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको अपने खाने के अंदर कम से कम 50% चीजों को कच्चा खाना है। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने पूरे दिन के खाने में कुछ खाना कच्चा नहीं खा रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, यानी कि बीमारियों को दावत दे रहे हैं। हमारी बॉडी कच्चा खाने के लिए बनी है। इंसानों को छोड़िए, पूरी दुनिया में हर एक जीव खाना कच्चा ही खाता है, फिर चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी, हम इंसान ही हैं जो खाने को पकाकर खाते हैं। दरअसल जब किसी भी खाने को पकाया जाता है तो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और ये पकाया हुआ खाना हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है। इसीलिए आजकल इतनी बीमारियां हैं।
आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान को कम से कम 50% चीजें कच्ची खानी चाहिए, यानी कि पूरे दिन में आप जितना भी खाना खा रहे हैं उसका 50% आप कच्चा खाएं। अगर कच्चा खाएंगे तो उससे आपकी बॉडी में लिविंग सेल्स जाएंगे। हमारी बॉडी भी लिविंग है, और जब हम लिविंग सेल्स को खाएंगे तो इससे हमारी बॉडी एक्टिवेट होगी और हमारी बॉडी में किसी तरह के रोग पैदा नहीं होंगे और हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि तुलसी के क्या फायदे हैं और किस तरह से हम कच्चा खाकर जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी, नहीं तो आप ऐसी वीडियोस को मिस कर देंगे। सब्सक्राइब कैसे करें? वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और फ्री में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल भी है, उसके ऊपर भी क्लिक करें और देन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।